तो खुशहाल सरकार करना नहीं चाहती है बिहार को, बिहार को सबसे नीचे गिराना चाहती है। अगर बिहार को चाहता कि सरकार की हम खुशहाल बनावें तो नदी से नदी को जोड़ देनी चाहिए, ताकि ऊपर से नीचे सभी किसानों को जल मिल सके और उसकी सही व्यवस्था हो सके और बाढ़ का समस्या हल हो जाए। जब तक कि बाढ़ का समस्या हल नहीं होगा, बिहार के किसानों का उत्थान नहीं होगा। ये दुर्भ सत्य है, इसको लोग माने न माने, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए। नदी को जोड़ने से तो बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाएगी? नहीं, समाप्त हो जाएगी। कैसे? जैसे कि कुछ नदियाँ सूखी पड़ी है, उसको उड़ाना होगा। कुछ नदियाँ जो कि बाढ़ में भी बरसात में भी जल नहीं आता है, उस सब होके जल जब निकलना शुरू होगा, सब में जब जल चला जाएगा तो जल बट जाएगी। बाढ़ जब भी आता है तो नेपाल के तरफ से आता है, दूसरा कोई नदी से नहीं आ रहा है। और नेपाल के बाढ़ को रोकने के लिए यही है भारत के साथ, लेकिन बिहार के हर नदियों को जोड़ दे। जिस एरिया में बाढ़ नहीं जाती है उस एरिया में भी तो बाढ़ का पानी फैल जाएगा, तो इससे पैदावार उसका बढ़ेगा, पैदावार बढ़ेगा। मैंने क्या कहा कि जो सूखा इलाका है वहाँ भी और जो नीचे इलाका है वहाँ भी, सब जगह समतल पानी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, किसी से किसी को देश नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, सबका क्षति, सबका पानी आते रहेगी, जाती रहेगी। बिहार की सभी नदियों को ऐसा ही कर देना चाहिए, सभी नदियों से नदी जोड़ देना चाहिए, उड़ाही भी होना चाहिए। उड़ाही जो नदी मरेन हो गया है उसको उड़ाही करना पड़ेगा। ये बाढ़ खाता दुनिया जहान में जितना पैसा खर्च होता है वो सब निरर्थक है, आज बनता है कल टूटता है, आज यहाँ बांधो कल बागमती को बांधो तो परसों लखनदेई को बांधो तो कभी जाते फलाने नदी को बांधो, इससे फार बेटर है कि नदी से नदी को जोड़ दे और मरे हुए नदी को जिंदा कर दे। वो पैसा बांध का पैसा मरे हुए नदी में लगा सकता है। आज देश बिहार उन्नति की तरफ जो भागेगा तो उसका कोई ठिकाना नहीं, लेकिन जानबूझ के हर सरकार अपने फायदे के लिए बांध खाता दुनिया जहान करके झूठ मूठ के जैसे बिहार को बर्बाद कर रहा है।